दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी रिश्तों की जमीन पर बिछी धोखे और फ्रेब की हकीकत से पर्दा उठाएगी। प्रीति, जिसके पति गायब, बाप लापता, लेकिन बाप का पता तो चला लेकिन पति की कोई खबर नहीं है। 14 साल की ये अधूरी मर्डर मिस्ट्री, ये रिश्तों की जमीन पर लिखी गई धोखे और फ्रेब की ये वो खौफनाक कहानी है जो आपको झकझोर कर रख देगी। रिश्ते जो हमारे अपनों से हैं, छोटे बड़े और गहरे, उन्हीं रिश्तों की ही बात हो रही है। उन रिश्तों की कि वो जब बदले तो भूचाल आ गया। ये रिश्तों की जमीन पर लिखी गई धोखे और फ्रेब की ये वो कहानी है जो आपको झकझोर कर रख देगी। तो दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करें उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली में हुई फ्रेब की एक अनोखी क्राइम। प्रीति ने मांग में सिंदूर तो पति के नाम का लगा रखा था, पर दिल में कोई और बस रहा था। उसके सामने एक तरफ पति था और दूसरी तरफ नया नया प्यार। वो पति को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और प्यार से दूर भी नहीं जा सकती थी। और बस यहीं से धोखे की इस कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों, इस कहानी के 3 किरदारों के बारे में आपका जानना जरूरी है। प्रीति, सुनील शर्मा और गुफरान अहमद, यही है इस धोखा द मिस्ट्री के कुल 3 किरदार। कमरे के अंदर और बाहर मौजूद इन्हीं 3 किरदारों के बीच इस सबसे अनोखी दास्तान की तमाम कड़ियां जुड़ी हैं। प्रीति ने सिंदूर तो पति के नाम का लगा रखा था, पर उसके दिल में गुफरान बसता था। साउथ दिल्ली में बुटीक चलाने वाली प्रीति पर गुफरान की पहली नजर उसकी इसी बुटीक में पड़ी थी। प्रीति और गुफरान एक दूसरे को पहली नजर में पसंद कर लिए थे। फिर क्या था, दोनों का प्यार आंखों के रास्ते धीरे धीरे दिल में उतर गया। प्रीति और गुफरान ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बुटीक से सीधे बेडरूम तक जा पहुंचा। बावजूद इसके कि प्रीति शादीशुदा थी, जबकि प्रीति के पति सुनील शर्मा उस इलाके में बेहद इज्जतदार और अमीर थे, प्रीति और गुफरान की ये मुलाकातें हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ती चली गईं और दोनों का ये नाजायज रिश्ता दिनों दिन मजबूत होता गया। लेकिन रिश्तों की ये हकीकत ज्यादा दिनों तक सुनील से छिप ना सकी। एक दिन खुद सुनील ने अपने ही घर में अपनी बीवी को एक गैर मर्द की बाहों में देख लिया था। ये वो मंजर था जिसने सुनील के पैरों तले से जमीन खिसका दी। ना वक्त की पाबंदी थी, ना ही रिश्तों की लिहाज, लेकिन अपनी बीवी को दिलोजान से चाहने वाला सुनील इस बात को चुपचाप भुलाना नहीं चाहता था। लिहाजा उसने अपनी बीवी प्रीति को समझाने की कोशिश की, उसे गुफरान से दूर रखना चाहा। लेकिन अपने शौहर की ये बंदिश प्रीति को मंजूर नहीं थी। बीवी की बेवफाई सुनील को लगातार परेशान कर रही थी। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसने प्रीति को बहुत समझाया लेकिन प्रीति अपने जिद पे खड़ी रही। तभी अचानक से सुनील शर्मा खुद ही गुम हो गया। गुम भी ऐसा हुआ कि तमाम तलाश बेकार गई। पुलिस ने बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। सवाल ये था कि सुनील अचानक कहां गुम हो गया, या उसे किसी ने गायब किया है। दोस्तों, इसी गुमशुदगी में छिपी है धोखे की सबसे कड़वी हकीकत। सुनील की रहस्यमयी गुमशुदगी प्रीति की आजादी का आगाज थी। अपने माशूक गुफरान के लिए अब उसके घर के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके थे। पति रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। अब ना वक्त की पाबंदी थी, ना ही रिश्तों की लिहाजा प्रीति की अयाशी को जैसे पंख लग गए थे। प्रीति अब आजाद थी। आशिकी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा उसका पति रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। अब प्रीति को कोई रोकने वाला नहीं था, लिहाजा अब दोनों खुल्लम खुल्ला मिलने लगे। क्योंकि प्रीति एक अमीर बाप की बेटी थी, लिहाजा पिता के पैसों पर प्रीति का इश्क भी शबाब पर था। गुफरान के साथ मिलकर प्रीति ने अपने बाप की दौलत उड़ानी शुरू कर दी। पर यह बात प्रीति के पिता सुजीत सिंह से भी ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी। सुजीत अपनी बेटी की अयाशी और एक गैर मर्द के साथ उसके नाजायज रिश्ते का राज जान चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी तिजोरी पर ताला लगा दिया। घर की दौलत को घर की ही बेटी बर्बाद करने पर उतर गई थी, और यही बात प्रीति के पिता को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इधर बाप ने अपनी तिजोरी बेटी के लिए बंद की तो उधर शाही खर्च और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल ने प्रीति और गुफरान को कर्ज में डुबो दिया था। दोनों के पास अपनी अयाशी के लिए आमदनी का कोई और जरिया भी नहीं था। घूम फिर कर प्रीति की निगाहें अपने पिता की बेशुमार दौलत पर पड़ रही थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बिना हाथ पांव मारे करोड़ों की दौलत उसके हाथ लग सकती थी, इसलिए अब उसके मन में किसी भी सूरत में पिता की दौलत हासिल करने का लालच घर करने लगा था। पर इससे पहले कि प्रीति का ये ख्वाब पूरा होता, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यही था धोखा द मिस्ट्री का सबसे खतरनाक खेल। पति गायब हो चुका था और पिता बेटी के फ्रेब को जान चुके थे। उधर प्रीति की जेब पर उसकी अयाशी धीरे धीरे भारी पड़ती गई। दौलत के बिना अयाशी चले भी तो कैसे, लिहाजा दौलत पाने के लिए प्रीति और गुफरान ने एक खतरनाक साजिश रची। पर वो इस साजिश को अंजाम दे पाते उससे पहले ही कहानी में एक और नया मोड़ आ गया। उधर सुनील गायब हुआ और इधर घर की हालत भी बिगड़ने लगी थी। प्रीति पर कर्ज का बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था।
दूसरी तरफ पुलिस उसके पति की रहस्यमय गुमशुदगी की तफ्तीश में पूरी तेजी से जुटी थी। लेकिन इससे पहले कि थाने से प्रीति के पति की कोई खबर आती, प्रीति के घर से ही एक और खबर बाहर आई। पति के बाद अब अचानक प्रीति के पिता सुजीत सिंह भी गायब हो गए। फिर क्या था, एक ही घर से दो गुमशुदगी ने पुलिस का भी सिर चकरा दिया। तब पहली बार पुलिस की नजरें प्रीति और उसके आशिक गुफरान पर गिनी। पहले पति और फिर पिता की रहस्यमयी गुमशुदगी की बात पुलिस को आसानी से हजम नहीं हो रही थी। और तो और, प्रीति के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी, और यही वो बात थी जो पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उधर पिता के गायब होने के बाद प्रीति के अरमानों को जैसे पंख लग गए हों। अब घर और बाहर दोनों ही जगह उसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था, लिहाजा गुफरान के साथ उसकी आशिकी और भी बढ़ती गई। उधर पुलिस दोनों की इन तमाम हरकतों पर नजरें गड़ाए बैठी थी, और चूंकि उसे प्रीति और गुफरान के रिश्तों पर शक हो चुका था, इसलिए पुलिस ने दोनों के फोन को भी सर्विलांस पर डाल दिया था। आखिरकार पुलिस का शक अपना काम कर गया। पुलिस शक की जिस उंगली को थामकर मामले की तफ्तीश कर रही थी, वो उसे सीधे कातिल का पता दे गई। जी हाँ, क्योंकि पुलिस जिसे गुमशुदगी का मामला मानकर चल रही थी, वो मामला कत्ल का निकला, और कातिल की शक्ल में जो चेहरा सामने था उसे देख के पुलिस भी हैरान हो गई। एक ही घर से एक के बाद एक दो लोग गायब हुए। 3 साल बीत गए पर दोनों का सुराग नहीं मिला। पर 3 साल बाद अचानक एक रोज पता चला कि उनमें से एक का कत्ल हो चुका है। कातिल खुद इसका इकरार कर रहा था, पर इस इकरार के बावजूद धोखा द मिस्ट्री अब भी राज ही बना हुआ था। बाप की लाश मिले और बेटी के दामन पर खून, तो फिर किसके पैरों तले से जमीन नहीं खिसकेगी। जी हाँ, सुजीत सिंह गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था। और ये काम किसी और ने नहीं, खुद उनकी अपनी बेटी प्रीति ने किया था। प्रीति के पति और उसके पिता, 3 साल तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला था। दरअसल प्रीति को अपनी अयाशी के लिए दौलत की दरकार थी। बुटीक से मिलने वाला पैसा उसके लिए नाकाफी था, और गुफरान की खर्चीली आदत ने भी प्रीति के हाथ तंग कर दिए थे। लिहाजा इस मुफलिसी से निकलने के लिए दोनों ने एक खतरनाक साजिश रची। प्रीति अपने बाप की आलीशान बिल्डिंग को बेचकर करोड़ों रुपए हासिल कर सकती थी। वो अपने पिता की इकलौती वारिस भी थी, पर उसे ये विरासत बाप के जीते जी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए प्रीति ने अपने पिता को ही हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। साजिश के तहत प्रीति ने गुफरान और उसके एक दोस्त को एक रात अपने घर बुलाए। सुजीत सिंह तब अपने अंजाम से बेखबर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात के वक्त अचानक दो एजेंडियों को कमरे में आते देख वो चौंक गए। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुफरान और प्रीति ने तकिए से मुंह दबाकर सुजीत की हत्या कर दी। फिर इसके बाद गुफरान और उसके दोस्त ने सुजीत की लाश को एक चादर में लपेटकर दूर गंगनहर में फेंक दिया। बाद में खुद प्रीति ने पुलिस में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन प्रीति और गुफरान के फोन टैप कर पुलिस ने आखिरकार 3 साल बाद सुजीत सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझा ही दी। इसी के बाद 12 फरवरी 2009 को दिल्ली पुलिस ने प्रीति, गुफरान और उसके दोस्त आसिफ को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी प्रीति के पति सुनील की गुमशुदगी की पहेली सुलझानी बाकी थी। पुलिस को यकीन था कि बाप की तरह ही प्रीति ने अपने पति को भी इसी तरह रास्ते से हटा दिया है। लेकिन 11 मई 2004 से लापता अनिल के बारे में प्रीति और गुफरान अब भी यही रट लगाए हैं कि उन्हें अनिल के बारे में कुछ नहीं पता। 14 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, पर ना तो अब सुनील लौटा है और ना ही उसकी कहीं लाश मिली है। तो आखिर सुनील कहाँ गया, उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया? कुल मिलाकर धोखा द मिस्ट्री अब भी मिस्ट्री ही बनी हुई है। लेकिन पुलिस की खोज जारी है। फिलहाल प्रीति और गुफरान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे फ्यूचर में भी क्राइम से रिलेटेड वीडियो आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए।